हम लोग आ चुके हैं इको पार्क में और यहाँ सब लोग बाहर इसलिए वेट कर रहे हैं क्योंकि टिकट लेना पड़ेगा और सेंसी वहाँ है, ऑटो वाले को पे करके आ रहे हैं। एक चीज़ अलग लग रही होगी कि सारे लोग अलग से ड्रेस में क्यों आए हैं। बताती हूँ थोड़ी देर में। हम लोग आज तैयार हो के आए हैं क्योंकि आज ही है हमारा बॉनफायर। तो बॉनफायर के पहले का ये प्लान था कि हम लोग आएंगे इको पार्क में, जो कि यहाँ का एक बहुत अच्छा फेमस पार्क है, जो कि बहुत सुंदर भी है, यहाँ आने के बाद पता चल रहा है। और इसके बाद हम लोग जाएंगे बॉनफायर करने, जहाँ पे हम लोग कुछ कुछ परफॉर्म करेंगे। तो हाँ, अभी थोड़ा यहाँ घूमते हैं। पूरा पत्थर का लगाया हुआ है यहाँ पे और अंदर घास पे चलना भी मना है। काफ़ी सुंदर है और यहाँ से वो रिवर दिखता है, जो है गंडक नदी, वो दिखता है। ये बहुत ही सुंदर एरिया है। और सेल्फी कहाँ है? अच्छा चलो, उधर बंद हो जाएगा, जहाँ जाना है वो जगह बंद हो जाएगा। हम लोग एक व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं और शाम हो जाएगा तो वो दिखेगा नहीं अच्छा, इस वजह से पहले वहाँ जाएंगे और फिर आके जो भी फोटो वोटो लेना है या जो भी करना है करेंगे। तो लेट्स सी कैसा व्यू है, देखते हैं। मुझे बाल में क्लिप अच्छा नहीं लगा था तो मैंने निकाल दिया। दिस इज बेटर। यस, और हम लोग इस पे चढ़ने वाले हैं उस व्यू को देखने के लिए। नाइस। तरह से सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए। वाओ, यहाँ से सुंदर दिख रहा सब कुछ। पूरा पार्क दिख रहा है यहाँ से, यही है व्यू पॉइंट। आज है पार्टी नाइट तो सेंसी आज बहुत ही रहम कर रहे हैं हम लोग पे। शाम को हम लोग को वो ऑटो से बिठा के लाए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। सर, शाम के फंक्शन के बारे में बताती हूँ, तो मुझे उसमें एंकरिंग भी करना है। मैंने वैसे गाना गाने का सोचा है, गाना गाने के लिए अपना नाम दिया है और डांस के लिए भी हूँ, पर मुझे एंकरिंग भी करना है, फॉर विच आई एम रियली नर्वस, क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया। और यू नो, लेट्स सी कैसा होता है। मुझे लगता है कि अच्छा होगा क्योंकि सब छोटे छोटे लोग हैं और सब अपने लोग हैं, तो उतना नहीं अजीब लगना चाहिए स्टिल। तो या, एंकरिंग करने वाली हूँ मैं और होप आज का अच्छा रहे और कुछ स्पेशल खाना भी है आई गेस। तो या, वेरी एक्साइटेड। और आज हमारा लास्ट नाइट है ऑफ कैंप। तो या, कल दिन में, मतलब सुबह में उठ के वही थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे वापस बैक टू होम। और काफ़ी अच्छा रहा यार ये 3 दिन का जो कैंप था, ये मेरी लाइफ का सबसे पहला कैंप है। मतलब मैंने ऐसा सिर्फ टीवी में सुना था और टीवी में ही ऐसा देखा था, बॉन फायर एंड ऑल या रील्स एंड ऑल में, पर ये मेरी लाइफ का पहला कैंप है, बॉनफायर है, जो कि काफ़ी अच्छा रहा और आगे भी अच्छा ही होगा। तो या, आई एम सो हैप्पी। चलो, ये एक और एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपीरियंस वाइज इट वाज रियली गुड और सबका मिक्सचर था, जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी बोला,
प्रैक्टिस भी और मतलब फिजिकल एक्टिविटी भी और घूमना फिरना भी, तो सब बैलेंस्ड वे में था, तो मज़ा आया काफ़ी। झूला वाला सेक्शन भी दिखाया जाए, ये बड़ा वाला झूला जो भी है, ये और भी है, ये है, पता नहीं क्या है, ये स्विंग है। ये सबसे अच्छा झूला है बड़े लोग के भी झूलने का। आवाज कर रहा हाँ। A few moments later. शुरू करते हैं थैंक्स से कि इतना कीमती समय आपने हमारे लिए निकाला और यहाँ पे आए हमारा छोटा सा परफॉर्मेंस, छोटा सा प्रोग्राम देखने के लिए। तो स्वागत है आप सभी का इस नाइट में। इनफैक्ट ये कैंप का सबसे अवेटेड मोमेंट होता है सभी के लिए, जहाँ पे हम लोगों को तैयार होके आने को मिलता है। बाकी टाइम तो हम लोग ड्रेस में ही रहते हैं, यूनिफॉर्म में हमारे, तो सब बहुत एक्साइटेड रहते हैं इस नाइट के लिए। वैसे हम सभी एक्साइटेड होके आ चुके हैं और मेरी लाइफ का तो ये सबसे पहला विंटर कैंप है। इससे पहले बस लोगों को सुना था कि सब लोग कैंप जा रहे हैं और टीवी में देखा था तो लगता था वाओ, पर जब पहली बार यहाँ आने का मौका मिला तो बहुत एक्साइटेड हो गए और ये कैंप बहुत अच्छा रहा। और जैसा कि सेंसी कहते हैं कि हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए, वैसे ही फिजिकल एक्टिविटी भी थी और घूमना फिरना भी था, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं और हमारे जो पहले परफॉर्मर हैं वो यहाँ के सबसे छोटे येट सबसे एक्टिव मेंबर हैं, तो हम स्वागत करते हैं ईशान का और वो आज हमें सुना रहे हैं अपना पोएम। कम When the night begins to fall and the sky begins to glow, you look up in the sky, city of nights begins to glow, in the rose and little golden square the lights come out। घर में लकड़ी बुड़ी था नहीं तो गया लकड़ी काटने के लिए, काटते काटते उसके हाथ से लकड़ी का जो कुल्हाड़ी है सुनो उसमें थोड़ा सा नया है तो कुल्हाड़ी गिर गया नदी में। अब बेचारा क्या करे, वही एक हथियार, उसी से लकड़ी लाना और उसी से, यहाँ वैसे एग्जाम्पल देखे होंगे आप लोग, बहुत आदमी का पैसा है लकड़ी ही बेच के वो लोग का जिंदगी चलता है। अब तो कुल्हाड़ी चला गया अंदर, अब क्या होगा, तो वहाँ से जंप मारा सर आ गया अपना पद में, हाँ तो वो लकड़ी काट ही रहा था तो गिर गया। अब क्या करे, तो गंगा नदी में जंप मारा, मार के डुबकी लगाया, पानी था बहुत तेज, नहीं निकला, फिर बैठ के रोने लगा। तो थोड़ी देर के बाद गंगा जी निकल के आई, बोली क्यों रो रहा बेटा, बोला मेरा कुल्हाड़ी नदी में, बोला मेरा कुल्हाड़ी नदी में गिर गया है। बोला अच्छा चल ठीक है रुक जा, अंदर डुबकी लगाई गंगा जी और जाके निकाल, एक चांदी का कुल्हाड़ी निकाल के दी, बोली ये है, तो बोला ना 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 ये मेरा नहीं है। फिर डुबकी लगाई गंगा जी, फिर निकाल के दी एक सोने का कुल्हाड़ी निकाल के, बोला ये है, बोला ना ना ये भी मेरा नहीं है। फिर डुबकी लगाई और तीसरी बार वो लोहे वाला ही निकाल के दी, बोला ये है, बोला हाँ यही है। बोला कमाल का, यही इतना ईमानदार आदमी, तू तो सोने वाले को भी बोलता कि मेरा है तुम दे देते, तेरा जिंदगी गुजर जाता फर्स्ट क्लास, और तू इतना ईमानदार है कि अपने वाले को, एक काम कर ये तीनों ले और घर जा। अब लेके गया एकदम, अब तो ऐस में कुल्हाड़ी सोने का और चांदी का और लकड़ी का भी, वो लेके गया, अब लकड़ी काम बंद, अब उसको बेच के आराम से घर में रह रहा है। समय के साथ में उसका पैसा ख़त्म हो गया। फिर समय ऐसा आया कि वो कुल्हाड़ी लेकर फिर नदी किनारे, फिर वो काटने के लिए, बगल में पत्नी थी, पत्नी का पैर फिसला हो गई पानी में, अब वो लकड़ी काटना छोड़ के अब रोने लगा, डुबकी लगाया लेकिन पत्नी मिली नहीं। फिर गंगा जी निकल के आई,
बोला अब क्या हो गया तुमको, बोला अब क्या करे मेरी पत्नी डूब गई है, बोला तू एकदम चिंता मत कर। गया भीतर, जैसे गया जाके निकाल के ला रहा कैटरीना कैफ, बोला ये तेरी है, बोला हाँ यही मेरी है। बोला साला तेरे को तो मैं तेरे को तो बड़ा ईमानदार समझता था, तू साला कैसा आदमी निकला। तो बोला कि प्रभु वो बात नहीं है, बातें वो बात नहीं है। बोला बात क्या है, बोला पहले कैटरीना को निकाले, मैंने बोल दिया कि ना नहीं है, फिर आप डुबकी मारते, फिर ऐश्वर्या को निकाल के लाते, फिर मैं बोलता कि नहीं ये भी नहीं है, तो फिर डुबकी लगाते और मेरी वाली ले आते, और फिर मेरे ईमानदारी पे खुश होके तीनों को देते हैं। बोला एक पत्नी से तो हम हैरान है, भिख मंगा हो गया तीन लेके कहाँ जाते हैं। सुपर बात, बैठो। रोल नंबर वन अलविंद मार साहब, रोल नंबर टू हेमे बानी मार साहब, रोल नंबर थ्री मोहित बानी मार साहब, रोल नंबर फोर हेमे बानी मार साहब, रोल नंबर फाइव सुधीर सर, बैठो। अब मैं यहाँ पे आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। तो दालभूत यादव स्टैंड अप। हमारी होमवर्क है क्यों लाइट नहीं थी, तो मोमबत्ती जला लेते, तो कहाँ पे लगी थी कि नहीं मिल रही थी, तो जाके ले लेते। क्यों नहीं आए थे, पानी कैसे नहीं था, मोटर क्यों नहीं चल रहा था, लाइन नहीं था। हरमन सिंह, एक से दस तक गिनती सुनाओ। एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस। ठीक आ गया, वो तो मर गया। कैसे, कल ही अखबार में देखा था 6 की मौत। चल बैठ। दिबिया हम जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसके फटाफट जवाब देना। दिल्ली की राजधानी क्या है, फटाफट। लालटेन, ये सबसे अच्छा बच्चा है और सबसे तेज है। चलो तुमसे एक मैथ्स का क्वेश्चन पूछते हैं। अगर तुम्हारे पास दो रोटी है, तुम दोनों खा ली, तो क्या बची, सब्जी। अब हम जो बोलेंगे उसे दोहराना है। दिल्ली में कुतुब मीनार है, दिल्ली में कुतुब मीनार है, दिल्ली में कुतुब मीनार है। चलो चटरपटर तुम खड़े हो जाओ। दिल्ली में क्या है, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। क्या बोल रहे हो तुम, चलो बैठो। नेक्स्ट कैप परफॉर्मेंस। अभी हमारा बॉनफायर खत्म हुआ, बहुत मजा आया। मैं जितनी नर्वस थी, जितना डर लग रहा था, उसके हिसाब से बहुत अच्छा हुआ, मज़ा आया। यहाँ है हमारा शेर, द ओनली टाइगर विच वी हैव सीन टिल नाउ। ये है, ये वैसे सेल्फी पॉइंट है जिसको और भी डेवलप किया जाएगा। तो यार मैंने अभी तक फ़ोटो नहीं लिया था, अब ले लेती हूँ उसके पास भी। अभी हम लोग आ चुके हैं गेस्ट हाउस, प्लेट लेके जाएंगे खाना खाने। कचड़ा कबाड़ बना के रखे ये दोनों प्लेट। समोसे खाओगे ईशान, समोसा खाओगे? बिल्कुल नहीं, खाना खाओगे? बिल्कुल नहीं बोलता है। वाह, बिल्कुल और मेरे को पूरा भर के दीजिएगा, वो बहुत पसंद है। भाई काम पड़ेगा तो हम लेंगे, लेकिन अभी खा लेते। यस थैंक यू भाई। हम लोग आ गए हैं खाना पीना खा के और अब सोने का टाइम हो चुका है। और आज है सेकेंड लास्ट डे और लास्ट नाइट ऑफ कैंप। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा था, खाना भी अच्छा मिला और ओवरऑल आज का दिन काफ़ी अच्छा था। और कल हमारा कुछ नया प्लान्स है, प्लान में थोड़ा सा चेंज हुआ है। हम लोग कल कहीं और जाने वाले हैं, पर अभी श्योर नहीं है, लेट्स सी।
तो कल की बात कल करते हैं। हाँ, तो मैं अपना व्लॉग यहाँ ख़त्म करती हूँ एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डिड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।